कैसे बचाओगे अपने अर्जुन? कैसे बचाओगे अपने अर्जुन? अर्जुन बचा तब तो उसके शरीर में जो शैतानी आत्मा है उसे निकालकर वो तावीज तुम प्राप्त कर पाओगे और अपने पिता के कातिल रुद्रा को खत्म कर पाओगे। रुद्र काका साहब, क्या ये संभव है कि हम अपने आत्मा को किसी ऐसी जगह पर रखें जहां वो सुरक्षित है और कोई उसे नुकसान ना पहुंचाए? एक शक्ति है जिसे ये संभव है। कौन सी शक्ति? मुक्त कर्म शक्ति। कर्म शक्ति। मुक्त कर्म शक्ति। कर्म शक्ति। टूट क्यों नहीं रहा है? लगता है कोई जादुई शक्ति इसकी रक्षा कर रही है। हे मुक्त काशी, हमारी मदद कीजिए। हमारे दुश्मन की आत्मा के दूसरे हिस्से को नष्ट करने में हमारी सहायता कीजिए। खोलिए इस लपेट को। अमृता ही बता सकती है। दादी साहब उन्हीं को बता के गई है कि वो गुरुजी के पास है। काका साहब, अमृता घर पर नहीं है। क्या
क्या तो कहां गई है वो? मैं नहीं पता काका साहब, वो कहां जाती है, क्यों जाती है, कब जाती है, हम नहीं जानते। मतलब हमारी बातों पर कोई भरोसा नहीं करता, लेकिन हम ये जानते हैं कि अमृता नॉर्मल लड़की नहीं, नॉर्मल वो जादू टोना करना चाहती, जादू टोना। हाँ काका साहब, हमने एक बार देखा कि अमृता का शरीर गायब था, लेकिन सिर्फ चेहरा दिखाई दे रहा था, अमृता, अमृता आप किससे बातें कर रहे हैं, हम कहाँ किसी से बात कर रहे हैं, इन्हें क्या हुआ, ये पिलर के पीछे क्यों छुप रहे हैं, अमृता, अमृता। और ऐसे कई किस्से हैं जिसे हम बता सकते हैं कि उनमें जादुई शक्ति है। यही सवाल तो हम भी आपसे पूछना चाहते हैं, कि आप यहां क्या कर रहे हैं, रुचि काका साहब, क्या ये संभव है, कि हम अपने आत्मा को किसी ऐसी जगह पर रखें, जहां वो सुरक्षित है, और कोई उसे नुकसान ना पहुंचे, एक शक्ति है, जिससे ये संभव है। कौन सी शक्ति, मुक्त करने शक्ति, लक्ष्मण रेखा पर कदम रखोगे हमें पता चल जाएगा कि तुम वही नागिन हो या नहीं जिसने हमारी आत्मा के दो हिस्सों को नष्ट कर दिया था। हमारी आत्मा के तीसरे हिस्से को हमने जिस जगह छुपाया है वहां से हटा तो नहीं सकते, लेकिन तुम्हें उस तक पहुंचने से पहले नष्ट जरूर कर देंगे। इस चंद्राष्ट भस्म पर अमृत का पैर पड़ते ही हमें तुम्हारा असली रूप पता चल जाएगा नागिन। रुद्र काका साहब चंद्राश भस्म की मदद से
हमारी असली आकृति को कैद कर लिया है। अब हम क्या करें? कैसे बचाएं अपने आप को? कैसे रोके रुद्र का कसम ये जानने से कि हम ही वो नागिन हैं, वो नागिन जो उन्हें मारना चाहती है। तो हमारा शक सही निकला नागिन। कब तक छुपोगी तुम हमारी नजर से नागिन? एक न एक दिन ये सच हमारे सामने आना ही था, लेकिन हम तुम्हारे हिम्मत की दाद देते हैं। इतने वक्त से हमारी आंखों के सामने रही, हमारे परिवार के बीच रही और किसी को कुछ पता नहीं चला, लेकिन अब क्या करोगी तुम? वही करेंगे जो करने हम यहाँ आए। अपना बदला पूरा करेंगे, अपने पिताजी के हथियारे को खत्म कर देंगे। अफसोस, तुम्हारा ये ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। ये हमारा ख्वाब नहीं, जीने का मकसद है। बस, सोचा हुआ हर मकसद पूरा नहीं होता नागिन, खासकर तब जब मंजिल हम जैसा शक्तिशाली इंसान है। देखते हैं, एक बेटी का प्यार, एक नागिन का क्रोध जीतता है या फिर एक इंसान की शैतानी शक्तियां? कुछ नहीं कर पाओगी तुम, कुछ नहीं। एक चीटी की तरह जिसे हम कभी भी मसल सकते हैं। करेंगे, जरूर करेंगे हम, और वो भी इस अमावस तक। तुम्हें मारकर अपने पिताजी की आत्मा को शांति देंगे हम। देखते हैं तुम्हारी इन खोखली धमकियों में कितना दम है। तुम्हारी आत्मा के दो हिस्सों को नष्ट करके ये मत समझना कि तुमने हमें खत्म कर दिया। तुम्हारे आत्मा के तीसरे हिस्से को भी हम नष्ट कर देंगे। नहीं अमृता, क्योंकि अब हम जो करने वाले हैं तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, और रेंगते हुए हमारे कदमों में आ गिरोगे, हमारे पैरों के नीचे गड़गड़ाओगे। आखिर क्या करने वाले हैं रुद्र? कहाँ है आप लोग सब? जल्दी आइए नीचे। क्या हुआ रुद्र? भाई साहब, हमें शक था, बहुत वक्त से हमारे इस घर पर किसी की बुरी नजर है। अब हम जान गए कि वो कौन है। काका साहब, हमें बताइए हमारे सुखी परिवार पर किसका बुरा असर है? ये, 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 ये। ये है वो काला साया जो परिवार की खुशियों पर ग्रांड बन के छा गया है। आप भूल रहे हैं कि आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो इस घर की बहू है। बहू नहीं अर्जुन, बहू नहीं। रिश्तों की चादर ओढ़े हुए दुश्मन है ये लड़की। बस काका साहब, आप बड़े और हम आपकी उम्र का लिहाज करते हैं, और ये लिहाज बना रहने दीजिए।
आपके संस्कारों में अपने बहू का अपमान करना उचित होगा, लेकिन हमारे संस्कारों में अपने पत्नी का अपमान सहना ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। पत्नी? कैसी पत्नी? जिस पत्नी के लिए लड़ रहे हो तुम, उसकी असलियत तो जान लो बेटे। असलियत? ये आप क्या कह रहे थे वर्षा? वही असलियत भाभी साहब, जब हम जान गए और शायद काफी वक्त पहले मां साहब इस सबको यही समझाना चाहती थी। काका साहब पहेलियां मत बुझाइए और हमें बताइए कि सच्चाई क्या है। बहू योर एक शब्द और हम भूल जाएंगे कि आप हमारे काका साहब हैं। अर्जुन 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 वैसा बड़ों से इस तरह से बात करके आप हमारी परवरिश को अपमानित कर रहे हैं। मासा घर पर नहीं है रुद्र, और इस घर के बड़े होने के नाते इस घर की सुख और शांति की जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए जब तक मासा वापस नहीं आ जाती, हम चाहते हैं कि इस बात को यहीं खत्म कर दिया जाए। आप बड़े हैं पिताजी, आप हाथ उठा सकते हैं, लेकिन काका साहब हमारे पत्नी के बारे में भला बुरा कहे बर्दाश्त नहीं कर सकते। किस भवर में फंसी है जिंदगी, अपना साया भी लगे है अजनबी। हम तो इस घर में सुख शांति चाहते हैं, इस घर की परेशानी का कारण हम ही बन गए। ये सब कुछ हमारी लापरवाही की वजह से हो रहा है। हमें सतर्क रहना चाहिए था। हम तो बहुत खुश हो रहे थे कि रुद्र काकासा की आत्मा के दो हिस्से को हमने खत्म कर दिया। अगर हम सतर्क रहते तो रुद्र काकासा को हमारी असलियत कभी पता नहीं चलती। अब तो हम बच गए, लेकिन रुद्र काकासा सबको हमारी असलियत बता कर रहे हैं, और हम नहीं चाहते कि दादी सा की तरह बाकी सब लोग भी ये जान जाए कि हम एक इच्छाधारी नागिन हैं। अब हमें ही कुछ करना होगा। जल्द से जल्द रुद्र काकासा की आत्मा के आखिरी हिस्से को ढूंढना होगा। हमारे जीने का मकसद पिताजी की मौत का बदला है। अगर हमने ये बदला पूरा नहीं किया तो पिताजी की आत्मा हमें हमेशा धुतकाती रहेगी। इससे पहले कि रुद्र काकासा हमारा रास खोले और दादी सा इस घर में लौटे, हमें रुद्र काकासा को खत्म करना होगा। खत्म करना होगा हमें रुद्र काकासा को खत्म करना होगा। खत्म करना होगा। अपने दुश्मन को खत्म करना ही होगा।
बर्थडे की छुट्टी होगी बिग मैजिक के साथ। सॉरी कहने से वो जख्म नहीं भरेंगे अमृता, जो काका सा की बातों से आपके दिल पे लगे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कहे, हम आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। काका सा जो कहना चाहते हैं वो सच है अर्जुन, हम आपको धोखा दे रहे हैं, सच्चाई छुपा रहे हैं आपसे, पर रूज काकासा की मौत तक हमें सच छुपाना होगा। अब इस समस्या का है हमें माँ ही बता सकती, कल सुबह ही हमें उनसे मिलना होगा। हम बहुत बड़ी कश्मकश में फंस गए, हम अर्जुन को धोखा नहीं दे सकते क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अपना बदला भी पूरा करना है। हम नहीं चाहते कि अर्जुन को हम पर कोई शक हो, हम उन्हें नहीं खो सकते हैं। एक बार हमारा मकसद पूरा हो जाए फिर बिना किसी शिकायत के हम अपनी पूरी जिंदगी अर्जुन के साथ बिताएंगे। लेकिन सबसे पहले हमें रुद्र काकासा के आत्मा के तीसरे हिस्से को ढूंढना होगा। बताइए ना, रुद्र काकासा के आत्मा का तीसरा हिस्सा कहाँ है? वो हिस्सा नागलोक में ही है। नागलोक में ही है, और उसे ढूंढने में हम तुम्हारी मदद करेंगे अमृता, लेकिन ये काम हमें त्रिवेणी के इंसानी रूप में आने से पहले ही करना होगा। अमृता, त्रिवेणी रुद्रा की माँ है, और एक माँ बेटी की मौत के सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। हम समझ सकते हैं, लेकिन अब हमें जाना होगा। हम घर से दूर ज्यादा देर नहीं रह सकते, वरना अर्जुन के सवालों के क्या जवाब देंगे हम? आप जल्द से जल्द रुद्र काकासा के आत्मा के तीसरे हिस्से को ढूंढने की कोशिश कीजिए और हमें खबर कीजिए। एक बात याद रखिएगा, हमारे पास वक्त बहुत कम है और कल अमावस्या है। हम चलते हैं। लेकिन ये काम हमें त्रिवेणी के इंसानी रूप में आने से पहले ही करना होगा। आप जल्द से जल्द रुद्र काकासा के आत्मा के तीसरे हिस्से को ढूंढने की कोशिश कीजिए और हमें खबर की खबर। जन्मदिन मुबारक हो बेटा। आज हमारा पहला जन्मदिन है जब आप हमारे साथ नहीं। एक माँ के होते हुए उसके बेटे को तुम नहीं मार पाओगी अमृता। एक पक्षी भी अपने बच्चे को नाक से बचाने के लिए लड़ता है। हम तो इंसान हैं और ईश्वर भी यही चाहते हैं, तभी तो उन्होंने हमें जल्दी ठीक कर दिया। हमारे होते हुए हमारे रुद्रा को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाओगी तुम उसका, क्योंकि रुद्रा को बचाने हम पहुंचेंगे। हमसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सब जानते हैं। ये भी जानते ये सब क्या हो रहा है साइना? हम जितनी अपनी पहचान छुपाना चाहते हैं उतना ही लोग ये जान रहे हैं कि हम एक इच्छाधारी नागिन हैं। ये क्या?
आपके चेहरे का रंग क्यों हो गया? बस कीजिए अपने ये छुपने छुपाने का खेल, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रुद्र काका सर कोई ना कोई बात जरूर पता है। अर्जुन उन्हें कल रोक लिया, वरना हम ये बात कल ही पता लगा लेते। हम उनसे पूछने ही जा रहे थे, लेकिन हमारे उठते ही काका साहब वहां से चले गए। काका साहब घर पर नहीं है? कहां जा सकते हैं वो? जब हम नागलोक गए थे तब तो वो घर पर ही थे। हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि वो कहां है। टेकरी पर क्या कर रहे हैं? हमें अभी पता लगाना होगा। अक्सर बिना बताए कहीं चली जाती है। आज हम जान करेंगे कि अमृता जाती कहां है। यहां से बाहर निकलना ही होगा। यह हमारे बेटे की जिंदगी का सवाल है। किसी भी कीमत पर हम हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं। शायद गुरु मंत्र हमारे काम आए। बेटे की जिंदगी का सवाल है। तुम्हारी ये भावनाएं तुम्हारे बेटे को नहीं बचा सकती। पर एक माँ की ममता तो बचा सकती है ना? एक माँ की ममता तुम क्या जानो? हम ये सब तुमसे क्यों कह रहे हैं नागरानी? क्योंकि तुम तो पहले अपनी बेटी के खिलाफ थी। तुम्हें तब तक यही रहना होगा जब तक अमृता
अपना बदला पूरा नहीं कर लेती। नागरानी, एक माँ की इतनी बड़ी परीक्षा मत लो। तुम भी माँ हो, एक बच्चे की मौत का दर्द तुम समझ सकती हो। हाँ, हम भी एक माँ हैं, इसलिए अपनी माँ होने का फर्ज निभा रहे हैं, अपनी बेटी की मदद करके। भगवान के लिए हमें जाने दो नागरानी, जाने दो। नहीं, नहीं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पूजा है। इसके बाद पृथ्वी हमें शक्ति देगी, आकाश हमारी सहायता करेगा। 24 घंटों के बाद, एक दिन और एक रात के बाद, वो नागिन, वो इच्छाधारी नागिन हमारे कब्जे में होगी। पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा। या स्मरेत पुंडरीकाक्षम् सा बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। श्यामम् नलिनाय त्रिलोचनम् वरामि पुण्डरीकाक्षम् तेन स्नातो भवाम्यहम्। स्मरामि पुण्डरीकाक्षम् स्नातो भवाम्यहम्। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज अमावस्या है। आज शत्रु बंधक शक्ति से हम उस इच्छाधारी नागिन को अपने वश में कर लेंगे, कैद कर लेंगे उसे, जो वर्षों से हमारे सर पर मौत बनकर मंडरा रही थी। सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञ हेतुश्च पयस्नानाय गृह्यताम्। वयसस्तु समुद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभं दध्यानीतं मया देव स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्। नवनीत समुत्पन्नम् सर्वसंतोषकारकम् कृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्। पुष्पुरेणु समुत्पन्नम् सुस्वादु मधुरं मधु तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्।
शुसार समुद्भूताम शर्कराम पुष्टिदाम शुभाम मलापहारिगाम दिव्याम स्नानार्थ प्रतिदिव्यताम। महत्वपूर्ण पूजा है, इसके बाद पृथ्वी हमें शक्ति देगी, आकाश हमारी सहायता करेगा। 24 घंटों के बाद, एक दिन और एक रात के बाद, नागिन, वो इच्छाधारी नागिन हमारे कब्जे में होगी। आपकी मौत आपके बहुत करीब है काका साहब, हमारा भ्रांति रूप आपकी ये पूजा भंग करेगी, हमारी शक्ति आपको मजबूर कर देगी कि आप हमारे भ्रांति रूप को ही देखें और कुछ नहीं। कहानी गरुड़ध्वज दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदनः पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यां सूदनादन उत्तरे श्रीपति रक्षेत् ऐशान्यां भीमहेश्वर। रक्षतु धातावो हृदौ नन्तश्च रक्षतु अनुक्तमपि यत्स्थानम् रक्तत्वीशो ममाद्रिधृक्। अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संतिता ये भूता विघ्नकर्तार ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अवक्रामन्तु भूतानि पीशाच्चा सर्वतो दिशा सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे। हम समझ के रुच काका साहब, हम समझ गए कि हमारी शक्तियां आपसे लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसीलिए आप विश्वामित्र की तरह तपस्या कीजिए और हम मेनका बनकर उसे भंग करेंगे। वर्षों से तड़पती अपने पिताजी की आत्मा को हम शांति दिलाकर और इसके आज हमें अपने सबसे महत्वपूर्ण शक्ति भ्रांति रूप शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। इसकी मदद से हम अपना रूप बदलकर आपकी तपस्या को भंग करेंगे और उस रूप में आप हमें नहीं पहचान पाएंगे। आज हमें कोई नहीं रोक सकता रुद्र का कसा, कोई नहीं। आपकी मौत आपके बहुत करीब है काका साहब, हमारा भ्रांति रूप आपकी ये पूजा भंग करेगा, हमारी शक्ति आपको मजबूर कर देगी कि आप हमारे भ्रांति रूप को ही देखें और कुछ नहीं।
हमें क्षमा करना साइना, मेरे ढोल नन्नास मेरे प्यारे की नहीं, यह नहीं हो सकता। चलावा है, भ्रम है हमारी आंखों का, या शायद कोई सपना। नहीं, यह अमृता नहीं हो सकती। एक बार वो हमारे सामने आ जाए, फिर हम उसे बातें कर देंगे कि वो हमें रुद्रा की आत्मा तक पहुंचाए। हाँ नागदेव, रुद्रा की आत्मा के तीसरे हिस्से को ढूंढकर हम अमृता की बहुत मदद करेंगे। अब वो वक्त आ गया है जब एक इच्छाधारी नागिन अपने प्रतिशोध को पूरा करेगी। हमारी अमृता अपने दुश्मन रुद्रा को खत्म कर देगी। हम रुद्र काकासा को ऐसी मौत देंगे कि कोई भी इंसान नागों का बुरा करने के बारे में सोचकर भी कांप उठेगा। हमारे रुद्रा को कुछ हो गया तो आप जिंदगी भर पछताएंगे। हमारी कोख पर वार किया तो हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। रुद्र काकासा को मरना ही होगा दादी, मरना ही होगा दादी। यही भाग्य का लेखा ही भाग्य का और इनकी नियति भी।